कुछ महीना पहले जित्राटोंगरी गांव में 16 हाथियों द्वारा गांव में उत्पात मचाया, जिसमें से फसल बर्बाद हुआ, घरों का नुकसान हुआ और कार्तिक मांझी का मृत्यु हो गया। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था इसका मुआवजा को लेकर। इतवार रात से यहाँ 14 हाथियों का झुंड जो है गांव में आ रहा है और हम लोग को परेशान कर रहा है, घर उड़ तोड़ रहा है। और आज ये हादसा हो गया कि हमारे गांव के एक व्यक्ति को जान चल गया है। कितना मकान को लेट क्यों आए हैं? 10 घंटे बाद आए हैं, क्या कारण है? हम लोग को करीब 6 बजे सूचना मिली, उसके बाद जो है तत्काल जो मुआवजा की राशि दी जाती है उसके लिए हम लोग व्यवस्था में लगे हुए थे, वो व्यवस्था करके आए। कितने लोगों की मौत हुई है, कितना मकान ध्वस्त हुआ है, क्या नुकसान है? मौत एक आदमी का हुआ है यहाँ, अब मकान करीब 10-12 है। अभी तो हम लोग के मांग किए हैं जो घर है, जितने घर क्षतिग्रस्त हुए उन घरों का जो होता है मुआवजा, प्लस जो व्यक्ति मारे गए हैं उस व्यक्ति का जो मुआवजा होता है सरकारी तहत, प्लस जा करके हाथियों को भगाने का व्यवस्था। इस वीडियो का बदलाव आने से एक गांव का और 19 परिवारों को लाभ हुआ। DFO ऑफिस मोहन जी के साथ गए थे जो वीडियो का वॉलंटियर्स आए हैं, और DFO ऑफिस जाने के बाद घटनाक्रम का जितना भी वीडियो रिकॉर्डिंग मोहन जी ने किया था वो क्लिप DFO ऑफिस में उन्होंने दिखाया, और देखने के बाद काम प्रोग्रेस में आया। अब प्रोग्रेस में आने के तुरंत बाद ही मोहन जी का सहयोग से और DFO जी का सहयोग से फिर चेक मिला। हम और मेरे गांव वाले मोहन जी का और DFO साहब का आभार प्रकट करते हैं कि उन लोगों के चलते इस गरीब आदमी का चेक मिला। धनेश्वर बाबू के और फिर आर संगी साथी के हम धन्यवाद दे के, जो भी काम किया तुम लोग के पीछे हम लोग धन्यवाद करते हैं, धनेश्वर बाबू और मोहन भैया को। मुझे और मेरे समुदाय में काफ़ी खुशी है। मैं रामगढ़ जिला के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के DFO AK सिंह को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ। मैं मोहन भुइयां, जिला रामगढ़, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।